आज हम बात करेंगे क्लास 11 के एनसीईआरटी में कुछ साइंटिस्ट के फोटो सहित नाम दिए हैं उनके बारे में। सबसे पहले हैं अर्नेस्ट मेयर, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने स्पीसीज़ की थ्योरी दी। उसके बाद है कैथेरिस एश्यू, जिन्होंने ये बताया कि जो कर्ली टॉप वायरस है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है वाया फूड। उसके बाद जो है साइंटिस्ट है मेलविन कालविन, एक ही साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने ये बताया कि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन के थ्रू। और उन्होंने ये भी बताया कि जो रेडियो एक्टिविटी है या CO2 का यूज़ है वो किस तरह से पौधों में फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस भी मेलविन कालविन ने ही दिया। और उसके बाद आते हैं अल्फेंसो कॉटी ने यह बताया कि जो बेसिलार मेम्ब्रेन है उस पर कुछ हेयर सेल्स होती हैं जो साउंड वेव्स को नर्व इम्पल्स के थ्रू जो है माइंड में पहुंचाती है, और इसे कॉर्टी का ऑर्गन भी कहा गया। और एक जो साइंटिस्ट हैं वो है जी एन रामचंद्र ने प्रोटीन की जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया, उसके बायोपॉलीमर स्ट्रक्चर के बारे में बताया। और जो टर्शरी स्ट्रक्चर है कॉलेजन की उसके बारे में बताया। और उन्होंने जो प्रोटीन के कन्फर्मेशन के लिए एक जो है शीट तैयार की जिसे हम रामचंद्र प्लॉट के नाम से जानते हैं। इसका जो क्वेश्चन है जब उड़ीसा में रीनीट हुआ था तो उसमें भी आया हुआ है रामचंद्र प्लॉट के नाम से कि प्रोटीन के कन्फर्मेशन के लिए कौन सी शीट काम में ली जाती है। तो इस तरह से जो 5 साइंटिस्ट हैं उनके जो है नाम NCERT ने दिए हैं उनके फ़ोटो सहित। तो आई थिंक कभी क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि उड़ीसा नीट में आया रामचंद्र प्लॉट के बारे में, उसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। अर्नेस्ट मेयर के बारे में जनरली वैसे पूछा जाता है क्योंकि स्पीसीज की थ्योरी हमें इवोल्यूशन में पढ़ाई जाती है। उसके बाद जो है कॉर्टी का जो ऑर्गन है उसके बारे में खाली नाम आता है, अगर साइंटिस्ट का नाम कभी पूछ लिया जाए तो हम बता सकते हैं। उसके अलावा जो 2 साइंटिस्टों के नाम जो कैथेरिस एश्यू और मेलविन कालविन है, तो कालविन का जो नाम है वो C14 के टाइम जब पढ़ाया जाता है, C14 का जो यूज़ करके उन्होंने जब C4 प्लांट्स इनके बारे में जब रिसर्च की थी तो उस टाइम पर इनका नाम आता है। कैथेरिस एश्यू के बारे में क्वेश्चन बहुत ही कम आया है या कभी आया भी नहीं है। तो इस तरह से जो है ये 5 साइंटिस्ट हमने NCERT में देखे। तो थैंक यू सो मच।